अज जथेबंदी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा। पिछले साल 15 अगस्त को इस ही जगह से असी इस जथेबंदी का शुरुआत की थी। तो असी पहली वरेगंढ मना रहे हैं। देखो जथेबंदी बहबल जिहड़ा मोर्चा लग्या पिछले 6-7 महीने तो सपोर्ट करती है, यानी बेअदबी जिहड़ा पिछले 7 सालों तो होया अपने एरिए दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, इतों तक कि 2 सिंह भी शहीद होए हैं उन्हां कट्ठां दे विच। वह मोर्चा चल रहा, उस मोर्चे को असी सपोर्ट करते हैं। इस वास्ते असी इस नहीं तिरंगे का बाइकाट नहीं, पर मैं कहना भी ना तो मंदिर से तिरंगा चाहिए ना गुरुद्वारे से तिरंगा चाहिए। उन्होंने आपके धार्मिक चिन्ह है, जो धार्मिक स्थान के धार्मिक चिन्ह ही होने चाहिए। तिरंगा देश का है, वो अपनी जगह पर है। ये घट गिणती के जोड़े चिन्ह है, मैं कहना जिमें ए कह लो कि RSS का जोड़ा दफ्तर है वो उपर तिरंगा नहीं है। तो मैं कहना भी ये उन्होंने निजी मसला है, वो लाने कि इस तरह ही गुरुद्वार के उपर तिरंगा नहीं होना चाहिए। जो होया तो मध्य प्रदेश तुम्हें पिछले दिन घटना देखी होनी है, उत्तर तनाव का माहौल है। तो असी इस टकरा चो क्यों पीए तिरंगा भी देश का, तो जरा केसरी यह भी देश का, तो जोड़े हरे झंडे भी इस देश के है। बिल्कुल पाए ये एक पार्क के कला गुलाब सोहना नहीं लगेगा, उत्थे वक् वक् तरह के फुल हो पार्क वधिया बने। इकट्ठा नहीं करते, मैं कहना भी आप ही असी ये गल कहने कि 10 लाख लोगों की बलि दे के, और उस तो पहला की चलता सी, 75 साल हो गए तिरंगा चलता है, उस तो पहला की सी साडे देश दे विच जिहड़ा शासक आउंदा सी वो अपना झंडा, उस तो पहला सिख राज दे केसरी झंडे भी रहे आ। वो राजनीतिक दे अपने फंडे होणगे, पर जो असी समझदे आ भी जिस टाइम तिरंगा दी बनतर होई देश दे विच, ये उस टाइम भी ऑब्जेक्शन होया सी कि तीनों रंग हो गए, चौथा रंग सिखा ने अपनी अपना कह क्या सी उस टाइम नहीं वो मंग मनी गई। और जिस टाइम ये गल कही जदों भारत के नाल रहन दा इस किते दा मतलब होया, तो उन्होंने बाद दे विच पटेल ने तुसी शब्द पढ़े होने हैं कि वो जां नेहरू वर्गिया के शब्द पढ़े होने हैं कि वो समा बदल गया जिहड़ा तुहाडे नाल पहला एक इकरारनामा किया सी कि उत्तरी भारत के किते दे विच सिखां नूं आजादी का निग मानन का पूरा हक होगा। तो पर जदों ही ये वंड होगी बड़ी वड्डी कीमत चुकाउणी पई है, तुसी गल पहला कर दित्ती है, एड्डी वड्डी कीमत चुका के थोड़े दिन बाद यह कहा जाता है कि असल समा बदल गया, वो समा निकल गया। तो इस वास्ते किते ना किते शंके पैदा होंदे आ घट के। मास्टर जी, ये 75वीं वरेगंढ से ही जिहड़े ने इन्ने शंके क्यों पैदा हुए हैं, एड्डा विवाद इस बार क्यों होया? पिछले सालों तो हरेक बार होंगे, ये नहीं गल है कि इस बार तुसी देखो देश का झंडा कितने वेचण वास्ते शासकों ने कितने गल की सी, रेलवे बेचता, एयरपोर्ट बेचते, व्डे जनतक अदारे बेचते, टैलीफोन BSNL वर्गिया कंपनियां बेचतियां, एक झंडा ही रहा ये भी बेच दो, कि देश अपना झंडा बेच के गुजारा करेगा? ये सोचण वाली गल है, कितने ना कितने सानू ये गल कहनी क्यों पवे, ये गल लोगों को कहनी क्यों पवे कि तिरंगा लाओ, क्योंकि तिरंगा साडे देश का झंडा, तो लोगों के अपने आप ही आनी चाहिए है। जे कोई गलत फहमी किसी के मन से दूर हुई है तो उन्हें दूर करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उन्होंने दबा के। असी इतों तक कि मैं टीचर पिंड झंडे वंटते देखे है, इस बारी क्यों ना बताई है, पहला क्यों नहीं? असी इस पाड़े वधा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ये हक मन सोचने का।